नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 3 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड वे में, तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए। मैं कई कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, ये हमको बताना है। आंध्र प्रदेश, केरल, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, आपको बताना है कि जो तुंग घाटी परियोजना है वो किन दो राज्यों की परियोजना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका डी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंग घाटी नदी परियोजना जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। जल्दी बताइए, मिट्टी के शहरों के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए। कई बच्चे कह रहे थे कि धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाइए, तो आप खुद देख रहे होंगे जो क्वेश्चन का लेवल है आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपको टेस्ट देने में ही मजा आएगा। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, वो है आपका खुर्जा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के में खुर्जा शहर, बुलंदशहर जिले में पड़ता है खुर्जा शहर, मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। पूरा राज्य ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इसे दी सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। किसको? खुर्जा को क्या कहा जाता है? दी सिरेमिक सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश के किस कारागार में, उत्तर प्रदेश के किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, ये हमको बताना है। गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या वाराणसी? तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी थे। इन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। कब दोस्तों? 1927 को। डेट याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। और कहां पर? गोरखपुर में दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती में उनकी भागीदारी थी इसलिए। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है, ये हमको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि आनंद मठ के जो आपके रचयिता हैं वो हैं आपके बंकिम चंद चटर्जी। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पर टाइम जाया नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं हाल के हाल। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में चौथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2018 कहाँ आयोजित किया गया था, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं और जल्दी से इसका आंसर बताइए। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या नोएडा? तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, भारत का चौथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2018 उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, ये हमको बताना है। कौन से राज्य ऐसे हैं? 8 राज्यों से तो लगती है, उसके बाद अगर 9वां इंक्लूड कर लो तो वो है आपका दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब किससे नहीं लगती, ये हमको बताना है। अगर आपको 8 के 8 राज्य याद हैं तो आप बता सकते हैं। देखो कौन कौन से हैं 8 के 8 राज्य? हो गया आपका उत्तरांचल, हो गया आपका राजस्थान, उसके बाद इस तरह आ जाओ तो हरियाणा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका बिहार और फिर हो गया आपका झारखंड और लास्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, तो पंजाब जो है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, जो मैंने 8 के 8 राज्य बोले हैं उनको एक बार याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। उत्तर प्रदेश द्वारा गोरखपुर एयरफोर्स आपका लिखा है, ये आपका एयरपोर्ट होगा या एयरफोर्स, गोरखपुर एयरपोर्ट स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, ये हमको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर एयरपोर्ट का जो नया नाम है वो क्या है। चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए, काफी प्रसिद्ध रहा था ये नाम, तो वो है आपका महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, आप सभी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा, ये हमको बताना है, धोबिया, राई, सायरी या उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है, ये सब के सब आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश की धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है, राई बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, और सायरा लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड के किसानों की कटाई के समय किया जाता है। तो ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लोक नृत्य की जब वीडियो अपलोड की थी उसमें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है, इलाहाबाद, सहारनपुर, लखनऊ या गोरखपुर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो आपका स्थित है ये सहारनपुर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, सहारनपुर में, और इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1964 में की गई थी। कब दोस्तों, 1964 में। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको जो संबंधित पॉइंट होते हैं इसलिए बता देता हूँ कि अगर आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देख के कुछ याद आ जाए तो इससे आपका ही भला होगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। भले ही उसमें एक दो सेकंड ज़्यादा लग जाता है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये हमको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया, वो है आपके अजय भूषण पांडे, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केवल मेरे ही टेस्ट सीरीज में आपको, चाहे आपका यूपी जीके हो गई, चाहे आपकी जीके हो गई, चाहे करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स हो गई, सारे क्वेश्चन आपको इंक्लूड मिलेंगे। रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हिंदी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ मिलना है, आप ये मान के चलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, दीवाने आम। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, दोस्तों आपके समास हुए, संधि हुई, कारक हुए, छंद हुए, अलंकार हुए, ये जितने भी आपके टॉपिक हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप इसकी वीडियो दोबारा चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और इनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर सकता हूं, जैसे समास के 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। केवल और केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आज शनिवार है तो ज्ञात करें 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों पहले तो आप ये लगा लीजिए, जो लोग इसे सिंपली वे में क्या करते हैं वो क्या कर लेते हैं, आज शनिवार, दूसरे दिन इस तरीके से रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, इस तरीके से तो आप सुबह से शाम कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर निकाल भी लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, बताइए। तो 7 दिन बाद जब वही दिन रिपीट होगा तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हो गया आपका 70। 70 दिनों के बाद 71वां दिन जो आएगा वो 71वें दिन में क्या होगा, शनिवार होगा। 71वें दिन में जब शनिवार होगा तो 72वें दिन में क्या होगा, रविवार। 73वें दिन में क्या होगा, सोमवार, ठीक है ना। उसके बाद 74वां दिन होगा, 70वें दिन के बाद पुनः शनिवार आएगा। अगले इसके बाद क्या कह रहे, 75 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो 72 में आपका रविवार हो गया, 73 में हो गया आपका क्या, सोमवार, 74 में हो गया आपका मंगलवार, और 75 में हो गया आपका बुधवार। वो कह रहे 75 दिनों बाद, बुधवार के बाद क्या आता मेरे दोस्तों, गुरुवार। आपका सही उत्तर हो गया थर्सडे, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें से आपको विषम छांटना है कि विषम क्या है, सितार, वायलिन, तानपुरा और तबला, इसमें आपको विषम छांटना है। तो आप सभी जानते हैं कि तबला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सितार में आपको तार लगा हुआ मिलता है, वायलिन में भी और तानपुरा में भी, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगर तोड़ फूल नष्ट करने से संबंधित है तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इसी प्रकार का रिलेशन आपको इन चार ऑप्शन में से ढूंढना है और सही उत्तर आपको बताना है। लगभग 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 70% बच्चे जो होते हैं ऐसे क्वेश्चंस गलत करते हैं। तो देखो, तोड़फोड़ अगर नष्ट करने से संबंधित है तो भ्रष्टाचार, घूस से संबंधित होगा, इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगर 4 1024 से संबंधित है तो 6 किससे संबंधित होगा। तो अगर आप 4 का रिलेशन ढूंढ लेंगे 1024 से तो हम आसानी से कर सकते हैं, 1024 को जरा 4 से डिवाइड कर लो, या नहीं तो एक काम करो 4 की पावर 5 कर लो, तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो मैंने आपके सामने लिख दिया 1024। इसी प्रकार से अगर आप 6 की पावर 5 कर लेंगे
तो भी आपका क्या आंसर आ जाएगा? वो हो जाएगा आपका 7776। अच्छा मुझे याद था कि 4 की पावर 5 1024 होता है, इसलिए मैंने हल के हल रिलेशन ढूंढ लिया। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप अपने तरीके से तर्क लगा करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि करपट शब्द का तद्भव क्या होगा, ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया कि जो करपट है वो तत्सम शब्द है, तो करपट का हमको तद्भव बताना है। कपड़ा का पाट, कतरना या कपट, तो दोस्तों करपट का जो आपका तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका कपड़ा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आकर्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये हमको बताना है। आकर्षक शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग जो होते हैं वो वाक्यों के आगे या किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगे होते हैं। तो आकर्षक शब्द में जो आपका उपसर्ग होगा वो होगा आ उपसर्ग होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पलक झपकते ही बताना पड़ेगा। तो रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मेरा कुत्ता काला है, तो इस वाक्य में काला क्या है? तो आपको पता चल गया होगा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और कुत्ता एक क्या है? काला है, ये इसकी क्या है? विशेषता। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कौन सा शब्द बहुवचन है, ये हमको बताना है। हवा, घर, नदी या वर्षा? तो दोस्तों वर्षा जो होगा वो आपका बहुवचन होगा। कौन सा दोस्तों? वर्षा। कुछ शब्द मैं आपसे बोल रहा हूँ उनको लिख लीजिए, ये समय में हमेशा किस तरीके से यूज होते हैं? बहुवचन की तरह यूज होते हैं। कौन कौन से? वर्षा हो गया, लड़के हो गए, घोड़े हो गए, घरों हो गए और पर्वतों, ये सब आपके बहुवचन की तरह यूज होते हैं। जबकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन की तरह प्रयुक्त होते हैं। जब मैं आपको वचन की वीडियो बताऊंगा तो आपको सारा कुछ समझा दूंगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आज का क्वेश्चन के विद्यार्थी में कौन सी संधि है, ये हमको बताना है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है और आपको ईमानदारी से बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। मैं हर एक का मैसेज देखता हूं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा कि मेरे 20 में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप ये जरूर देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपने गलत किए और कितने आपने स्किप किए। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।